तक आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त प्राइम रोज अपार्टमेंट के ठीक बाहर यानी उस जगह पर मेरी मौजूदगी है जो रिया चक्रवर्ती का घर है और यहीं से कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती निकलेंगी एनसीबी दफ्तर के लिए। कल उनसे तकरीबन 8 घंटे तक की पूछताछ, लंबी चौड़ी पूछताछ एनसीबी की टीम की ओर से की गई और उसके बाद आज का दिन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर रिया चक्रवर्ती से 2 दिनों की जो पूछताछ हुई उससे संतुष्ट नहीं है, बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब रिया चक्रवर्ती की ओर से नहीं दिया गया, तो आज अगर उन सवालों के सही जवाब नहीं मिलते हैं तो हो सकता है उनकी गिरफ्तारी कर ली जाए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, इस पूरे मामले को एक नया एंगल देने में जुटी रिया चक्रवर्ती कल पूरे 6 घंटे तक बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद रही। रिया चक्रवर्ती की ओर से सुशांत सिंह राजपूत की बहनों को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है, उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर, डॉक्टर्स को लेकर सवाल पूछे गए हैं कि आखिर गलत दवाइयां सुशांत को क्यों दी गई, तो पूरा मामला अलग अलग तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं चाहूंगी पवन आपको यहां की तस्वीरें दिखाएं। यही वो प्राइम रोज अपार्टमेंट है जिसके फर्स्ट फ्लोर पर रिया चक्रवर्ती रहती है। उनके घर में इस वक्त उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनकी माँ और रिया चक्रवर्ती की ही मौजूदगी है क्योंकि भाई शौविक चक्रवर्ती इस वक्त एनसीबी की गिरफ्त में है जो लगातार पूछताछ कर रही है। ये फ्रंट साइड है, ये प्राइम रोज अपार्टमेंट का फ्रंट साइड है। इसके बैक साइड में रिया चक्रवर्ती का फ्लैट है जिसपे फर्स्ट फ्लोर पर वो रहती हैं और आगे जो खिड़कियां आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही पीछे है लेकिन उस पर पूरी तरह से कर्टेन यानी कि पर्दे लगाकर रखे गए हैं ताकि अंदर की तस्वीरें बाहर नहीं आए। अभी फिलहाल इस अपार्टमेंट में सन्नाटा आप देख रहे हैं लेकिन सभी के मन में ये सवाल है कि क्या रिया चक्रवर्ती को जेल हो सकती है, रिया चक्रवर्ती क्या जेल जाएंगी। हालांकि अब तक एनसीबी के अधिकारियों के हवाले से यही कहा गया है कि फिलहाल रिया चक्रवर्ती कोऑपरेट कर रही हैं और पूरे मामले को हम देख रहे हैं। मैं चाहूंगी जरा इधर की तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए मुंबई पुलिस की एक गाड़ी यहां पर आ चुकी है, फिलहाल यहां पर मूवमेंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई पुलिस की एक गाड़ी यहां पर, पुलिस जो वैन है वो खड़ी हुई है और इसी रास्ते से ये जो दूसरा हिस्सा है, मैं चाहूंगी पवन यहां पर आए, यही जो दूसरा हिस्सा है यहां से पुलिस की, देखिए पुलिस की तमाम गाड़ियां यहां पर आती हैं और उसके बाद यहां से सीधे लेफ्ट से होते हुए रिया चक्रवर्ती को लेकर जाया जाता है एनसीबी के दफ्तर। लगातार यहां पर गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही है लेकिन सबसे बड़ा सवाल रिया चक्रवर्ती का आज क्या होगा क्योंकि आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है जब रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की टीम पूछताछ करेगी और आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि जिन आरोपियों को अपनी गिरफ्त में एनसीबी की टीम ने लिए कर रखा हुआ है उनकी जो हिरासत की अवधि है वो कल खत्म हो रही है, रिमांड की अवधि कल खत्म हो रही है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेशी करके, हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अब पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट के भीतर से होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करके अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश एनसीबी कर सकती है ताकि आरोपियों को आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की जा सके। हमारे तमाम सहयोगी लगातार पल पल की जानकारी मुंबई से आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसमी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्राइम रोज अपार्टमेंट के उस हिस्से से उन्होंने अपनी नजर बनाकर रखी हुई है जहां पर रिया चक्रवर्ती की बिल्कुल साफ तस्वीर हमारे दर्शक देख पाए क्योंकि रिया चक्रवर्ती की बॉडी लैंग्वेज क्या है यह देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से अब अग्रेसिव अप्रोच उन्होंने खुद अपना लिया है सुशांत की बहनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके, ऐसे में अब आगे ये पूरा मामला कैसे बढ़ेगा देखना महत्वपूर्ण रहेगा। सीधे रुक कर लेते हैं मौसमी का, मौसमी हमारे साथ रिया चक्रवर्ती के घर के पास से ही मौजूद हैं। आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ एनसीबी दफ्तर से जुड़ेंगे, मनीष पांडे जुड़ेंगे, इसके अलावा अरविंद ओझा हमारे साथ मौजूद रहेंगे, तमाम संवाददाताओं के पास चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मौसमी आपका रुक करते हुए, आपने टॉप एंगल से उस जगह की तस्वीरें कैप्चर करने की कोशिश की है जहां से रिया चक्रवर्ती बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे सके, अभी क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की जानकारी, रिया कब निकलेंगी अपने घर से, क्या कुछ जानकारी मिल रही है मौसमी?